अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पेज नंबर 12, मॉडर्न यूजेज ऑफ कंप्यूटर्स। हम देखेंगे कि वो कौन कौन से रिसर्च टॉपिक्स हैं जो आजकल कंप्यूटर की फील्ड में यूज़ हो रहे हैं। तो सबसे पहले नंबर वन टॉपिक है हमारे पास मोबाइल कंप्यूटिंग। मोबाइल कंप्यूटिंग जैसे कि नाम से ही जाहिर है, जितने भी हमारे पास मोबाइल डिवाइसेस हैं, चाहे वो पीडीएस हों, टैबलेट्स हों, लैपटॉप हों, ये तमाम के तमाम मोबाइल कंप्यूटिंग में आती हैं। ठीक है, मोबाइल मींस रोमिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। हम चलते फिरते घूमते फिरते कंप्यूटिंग किस तरीके से कर रहे हैं, किस तरह एक्सेसिंग कर रहे हैं, वो तमाम डिवाइसेस मोबाइल कंप्यूटिंग में आती हैं। तो मोबाइल कंप्यूटिंग की बहुत सारी डिवाइसेस हो सकती हैं, जितनी भी स्मार्ट डिवाइसेस आजकल यूज़ हो रही हैं। नंबर टू है हमारे पास IoT, stands for Internet of Things। IoT एक बहुत ही ख़ास किस्म का हमारे पास रिसर्च टॉपिक है, जिस पे MS और PhD लेवल के स्टूडेंट्स आजकल रिसर्च कर रहे हैं। नाम से आपको देखें समझ में आ रही होगी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स मींस थिंग्स को हम कंट्रोल कर रहे हैं थ्रू इंटरनेट। थिंग्स क्या है हमारे पास, हमारे घर में एयर कंडीशन, पंखा, दरवाज़ा, ये तमाम चीज़ें हमारे पास, अगर हम इन चीज़ों को इंटरनेट के ज़रिए कंट्रोल कर सकते हैं, देन दिस फिनोमिना इज़ नोन एज इंटरनेट ऑफ थिंग्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप घर से ऑफिस चले जाते हैं एंड देन आपको याद आता है कि आपने फ़ैन ऑफ नहीं किया था या कोई लाइट ऑफ नहीं की थी, तो आप अपने मोबाइल के सॉफ्टवेयर के ज़रिए अगर आप अपने घर का AC ऑफ कर रहे हैं या लाइट्स ऑफ कर रहे हैं, देन दिस फिनोमिना इज़ नोन एज इंटरनेट ऑफ थिंग्स। और इस रिसर्च टॉपिक का नाम स्मार्ट एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम भी है। अगर आप इसको गूगल पर सर्च करें, इसका नाम होम एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम है। स्मार्ट होम एक टेक्नोलॉजी है जो कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर काम कर रही है आजकल। तो ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स काफ़ी यूज़ हो रहा है आजकल, आप इसको सर्च कर सकते हैं फर्दर अपने समझने के लिए। क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग इज़ अ वेरी मच इंटरेस्टिंग टॉपिक। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब ये है कि हम अपना डेटा जितना भी है वो हम क्लाउड पे रख लेते हैं। क्लाउड का मतलब ये नहीं कि हम बादलों पे रख रहे हैं, इसका मतलब जो हमारे पास ISPs हैं, इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर कंपनीज हैं, उन कंपनीज़ के सर्वर्स पे हम अपना डेटा रखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसकी बेहतर एग्ज़ाम्पल हमारे पास गूगल का G Drive है। अगर मैं अपने CV या कुछ स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स G Drive पे रखता हूँ, तो मैं कहीं भी चला जाता हूँ पाकिस्तान में, तो मुझे कहीं पर भी अपना लैपटॉप ले जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं कहीं पर भी जाके अपनी गूगल की Gmail ID ओपन करूँगा और अपने CV को प्रिंट कर लूँगा। सो दिस इज़ द एग्ज़ाम्पल ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, कि हमें ज़रूरत नहीं पड़ती कि हम हर जगह अपना लगेज, अपना लैपटॉप और इस तरह की इक्विपमेंट साथ लेकर जाएँ। हम अपने डेटा को क्या करते हैं, क्लाउड पर स्टोर कर लेते हैं, और हम कहीं पर भी चले जाएँ क्लाउड के ज़रिए हम अपने डेटा को रिट्रीव करके उनको अच्छे तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्लाउड की एग्जांपल है। और इसके अलावा ISPs को, जिनको हम पे करते हैं अपना डेटा स्टोर करने के लिए, वो किसी एक सर्वर पे हमारा डेटा स्टोर नहीं करती, क्योंकि अगर वहाँ एक सर्वर से डेटा लॉस हो जाए तो फिर हम क्या करेंगे, आपका डेटा तो लॉस हो जाएगा। तो क्लाउड कंप्यूटिंग वाले भी जो कंपनीज होती हैं, वो आपका डेटा 2 से 3 सर्वर्स पे, डिफरेंट सर्वर्स पे रखती है, कि कल को किसी एक जगह पे अगर कोई डेटा आपका लॉस हो जाता है किसी भी वजह से, तो किसी वो फिर दूसरे रिसोर्स से आपको डेटा दिया जा सके। सो दिस इज़ टॉपिक क्लाउड कंप्यूटिंग। इसके बाद हमारे पास है लास्ट टॉपिक डेटा सेंटर्स। डेटा सेंटर्स का मतलब है हम अपने तमाम के तमाम कंपनी के डेटा को सेंट्रलाइज तरीके से किसी एक जगह पे स्टोर कर लें और उनको वहीं पर रिट्रीव किया जाए, डेटा को एक्सेस किया जाए, अपडेट किया जाए। इसकी एग्जांपल हमारे पास नादरा है। सेंट्रलाइज डेटा क्या होता है, सेंट्रलाइज डेटा का मतलब है आप उसको किसी भी जगह से यूज़ करें तो सेंट्रलाइज होगा। मतलब ये नहीं है कि पेशावर में किसी एक स्टूडेंट का नाम के अगेंस्ट कोई CNIC नंबर आ रहा है और वो लाहौर जाके नादरा के ऑफिस में चेक करे तो वो कोई और उसका CNIC नंबर है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नादरा इज़ द एग्जांपल, ठीक है। नादरा का जो डेटाबेस है हमारे पास, वो एक सेंट्रलाइज सिस्टम है। आप कहीं पर भी किसी भी सिटी में चले जाएं, उनका डेटा वही होगा। तो इसी तरह नादरा हमारे पास है, टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज हैं हमारे पास, इसके अलावा बैंक्स, यूनिवर्सिटीज़, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके तमाम के डेटा सेंटर्स होते हैं, और वो अपना डेटा उन्होंने किसी न किसी खास डेटा सेंटर्स बनाए होते हैं, वो वहाँ
पे अपने डेटा सेंटर्स को चला रहे होते हैं। लेकिन आज का डेटा सेंटर्स वाले भी क्या कर रहे हैं, अपना डेटा क्लाउड पर रख रहे हैं, कहीं चोरी होने का मसला हो या किसी और किस्म का कोई डर ना हो उनको। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, मॉडर्न यूजेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स। कंप्यूटर आजकल कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है आपको मैंने पहले भी बता दिया था। ये MS या PhD लेवल के रिसर्च टॉपिक्स हैं जिन पे स्टूडेंट्स आजकल रिसर्च कर रहे हैं। आपको जस्ट छोटा सा इंट्रोडक्शन देना था ताकि आप लोगों को पता हो कि आजकल कंप्यूटर की फील्ड में क्या हो रहा है हमारे पास। सो दिस वॉज आवर टॉपिक। मैं आपको असाइनमेंट व्हाट्सएप कर दूँगा। अपना ख्याल रखिए, थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।